इटखोरी प्रखंड के एकमात्र उच्च शिक्षण संस्थान भद्रकाली महाविद्यालय में भूगोल विभाग के तत्वाधान में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का विषय था वैश्विक ताप ग्लोबल वार्मिंग। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दुलार ठाकुर ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में प्रबुद्ध समाजसेवी देव कुमार सिंह एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में समाजसेवी पवन कुमार शर्मा उपस्थित थे। कार्यक्रम का आरंभ दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न समस्याओं एवं उनसे उत्पन्न खतरों पर विशेष रूप से चर्चा की। कार्यक्रम में ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर छात्र छात्राओं ने अपने आलेखों को पढ़ा। प्राचार्य डॉक्टर दुलार ठाकुर ने ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न खतरों के प्रति आगाह करते हुए कहा कि विश्व समुदाय के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या से निजात पाने के वैश्विक स्तर पर ठोस एवं कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है। विषय प्रवेश करते हुए भूगोल विभाग के पंकज कुमार ने बताया कि आज समस्त विश्व इसकी चपेट में है। वैश्विक स्तर पर विश्व समुदाय द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए ठोस एवं कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है। वैश्विक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न खतरों पर चर्चा करते हुए अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढ़, भूस्खलन, भूकंप एवं ओजोन परत में होने वाले परिवर्तन जैसे इन खतरों से विश्व मानव को कैसे बचाया जा सकता है और कौन कौन से खतरे ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न हुए हैं, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए उनके समाधान की दिशा में ठोस एवं कारगर कदम उठाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। ग्लोबल वार्मिंग से भौगोलिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों पर विशेष रूप से चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि हुई है और कई तरह के प्राकृतिक आपदाओं का सामना विश्व समुदाय को करना पड़ रहा है, यह वास्तव में आने वाले समय के लिए बहुत बड़े खतरे का संकेत है। इस कार्यक्रम में सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी उपस्थित थे। कार्यक्रम में प्रतिभागी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन भूगोल विभाग के संदीप कुमार के द्वारा किया गया एवं समापन धन्यवाद ज्ञापन वाणिज्य विभाग के प्रोफेसर महेंद्र ठाकुर के द्वारा किया गया। इटखोरी से संवाददाता अखिलेश पांडे की रिपोर्ट।